जिज्ञासा के माध्यम से खुशी क्लिप्स हिंदी थ्रू क्यूरियोसिटी दोस्तों सर क्या अगर किसी को कैप्टनसी मिल जाती है उसकी वजह से उनकी गेम अफेक्ट होती है होती है, आ, होती so, है है डोमेस्टिक लेवल पर भी डोमेस्टिक लेवल पर भी होती है इंटरनेशनल लेवल पर भी होती है एक सेटलिंग डाउन का टाइम लगता है कैप्टन को कि आपको पहचानना है कि मैं कैप्टन हूँ लेकिन मैं ये टीम में मैं प्लेयर पहले हूं तो वो एक वो एक बैलेंस आने में थोड़ा टाइम लगता है क्यों, क्योंकि क्योंकि मेंटली टैक्सिंग होता है मेंटली लाइक आई सेड बहुत ही टैक्सिंग होता है एंड एंड uh, आप थोड़ा बैटिंग कर रहे हो तभी सोच रहे हो कि अरे यार वो बॉलिंग में मैं किसको क्या दूँ ये वो थोड़ा एक एक सेटलिंग डाउन टाइम लगता है एंड एंड इसके लिए जो भी कैप्टन बनते हैं उनको थोड़ा एक लॉन्गर रोप देते कि यू you नो know, पहले दो तीन महीने ये स्ट्रगल करेगा थोड़ा बट आफ्टर दैट यू नो यू हैव टू यू हैव टू ये जो दोनों रोल्स हैं आपको बाइफकेट करने पड़ेंगे okay. कि जब भी आप बैटिंग कर रहे हो तो भी आप बैट्समैन तभी आप कैप्टन नहीं हो ऑल दो ऑल दो मैं तो बहुत मानता हूँ कि जब भी आप बैटिंग करते हो यू शुड थिंक लाइक अ कैप्टन बट यू शुड थिंक लाइक अ कैप्टन ओनली कि ये विकेट पे क्या स्कोर अच्छा है ये विकेट पे यू you नो know, क्या टारगेट सेट करना चाहिए बट नॉट थिंक अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ कैप्टनसी कि मैं जब भी जब हम बॉलिंग करेंगे तभी हम क्या करेंगे बिकॉज वो आपका फोकस निकालेगा वो वॉच द बॉल एंड यू नो एक बैट्समैन से दिस टू दैमसेल्व वॉच द बॉल इट विल टेल यू वॉट टू डू ऑफ you know, तो वो कॉन्सेंट्रेशन एक, वो एक जब यह आप बाकी का सोचते हो वो थोड़ा हट जाता है एंड दैट्स वॉट कॉजे और इस शो पर <laughs> okay? uh, बहुत सारे भारतीय लोग फैंस कोहली के कैप्टेंसी के बारे में कम बात करते हैं उनकी भी कैप्टनसी बहुत बढ़िया थी स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में हुँ. एक अग्रेशन आ गई थी टीम में और हुँ. टीम ने बहुत कुछ किया उनके टेस्ट हुँ. के दौरान आप uh, सहमत हो 100 ए, एक, हाँ. एक अटैच सवाल है दो, दोनों चीज़ों कियाके टीनज में मिले थे जब वो सिक्सटीन ईयर्स के थे तब उनमें कैप्टन दिखा था क्योंकि कहा जाता है कि लीडर्स बनाए नहीं जाते लीडर्स पहले से लीडर्स ही होते हैं तो वो जानना चाहूँगा मैंने जब भी उसे पहले देखा मैंने सोचा भी नहीं था कि कि मैंने वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा भी नहीं था उसे ऑनेस्टली मुझे जस्ट एज अ बैट्समैन अच्छा लगा बट जब भी मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप फॉलो करना शुरू किया तभी मुझे लगा हंड्रेड परसेंट ये इसमें कैप्टनसी मटेरियल है एंड uh, तब से वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट तब से है यू नो बिकॉज वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बहुत अटैकिंग खेले इंडियन टीम है खेली इंडियन टीम एंड जब वो भी वो इंडिया का कैप्टन बना तभी वो ही तो एक था कि वो इन योर फेस यू नो अटैकिंग एट ऑल टाइम्स दैट वॉज द काइंड ऑफ यू नो ब्रांड विच दे प्रोपोगेटेड और वो ब्रांड खेलने के लिए आइडियल टीम थी uh, विराट कोहली एंड रवि शास्त्री यू नो बोथ ऑफ देम आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड इट वॉज द राइट राइट वे वी वर प्लेइंग आर क्रिकेट एंड देन आफ्टर विराट गेव अप द कैप्टनसी मुझे भी थोड़ा लगा कि अभी ये ब्रांड तो रोहित इज़ नॉट द सेम गाए एज विराट तो ये ब्रांड क्या होगा बट आई थिंक वॉट यू आर सींग नाउ अंडर रोहित एंड राहुल द्रविड़ इज़ अ वेरी वेरी अस्ट्यूट स्ट्रैटेजी ड्रिविन यू नो टेक ऑन द गेम यू नो एंड दे आर टेकिंग सर्टन वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन आई लव्ड कि कुलदीप यादव को पहले दो मैच में खिलाया नहीं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बिकॉज वो तीन मैचेस थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एंड वर्ल्ड कप की पहली मैच फिर से ऑस्ट्रेलिया तो आप तीन बार उसे कुलदीप को क्यों चांस दे रहे हो खेलने hmm. तो जब भी वो पहले वर्ल्ड कप मैच में आएंगे तभी तो वो चौथी बार खेलेंगे कुलदीप को सो so, जस्ट कुलदीप को लास्ट मैच में खिलाया कि जो हमारा हुक्मी एक है का, उसे हम थोड़ा बाजू में रखेंगे यू you नो know, तो ये थोड़ी ये जो चीज़ें हैं वो मुझे बताती है कि बहुत सोच जा रही है ये टीम में दोस्तों टी आर एस क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टी आर एस हिंदी बहुत जल्द